हमारे समाज भाई है, हिंदू मुस्लिम तरफ तरफ के मर रहा है। तुफान मियां जो थे यहाँ पर हमारे पूरा जैसे पंचायत का मुखिया हुए, बहुत अच्छा काम किया है। जिस वक्त में हम लोग का आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने जो है इस पर जो है चचरा बना के आने जाने के लिए हम लोग दिए। 11 में 10 वो घूम करके नहीं आया, एक शख्स राम प्रवेश जी जो है से उस आवर में अपने जान पर खेल करके, उनको तैरने भी नहीं आता है, खतरा से खेल करके हम लोगों को बीच आए। जब हम लोग के गांव में बाढ़ आया था तो उन्होंने चाला पुल बनवाया, नाव दिया और सारपुर में लाइट लगवाया, इसलिए उनको ही वोट दीजिएगा। हमें प्रवेश तो हमरे लोग के जी आया, वही तो नैया खरीद के दिए, वही पुल बनवाए, वही बत्ती जलवाना था, अंधेरा में खजन पूरा तो डूबा हुआ था। राम प्रवेश क्या क्या दिए हैं? बहुत नाव दिए, चचरी बना दिए आने जाने के लिए, लगवा दिए, बहुत काम किए हैं हम लोग को। राम प्रवेश जी व्यवस्था दिए हैं, हम लोग जा रहे हैं, रोड काम बनाएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जोर शोर से जारी है, वहीं इस बार पूरे बिहार की जनता जोर शोर से वोटिंग कर रही है। वहीं वहां की जनता में बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान सहित बच्चे बच्चे भी किसको पसंद करते हैं देख व सुन सकते हैं आप। वहीं बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर ज्यादातर जनता बदलाव की ही है, और वैसे ही वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत चांदपुरा फतेह पंचायत की जनता भी बदलाव चाहती है। क्या कुछ कह रही है जनता, जितने भी प्रत्याशी हैं या जो भी पिछले 5 सालों में काम हुआ है या नहीं, उन सभी कामों के बारे में जनता कह रही है, बता रही है कि क्या कुछ विकास हुआ है उनके पंचायत में, आप सुन सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत चांदपुर फतेह पंचायत में चुनाव को लेकर वहाँ की जनता ने क्या कहा, देखिए। अपने पंचायत को जितने हमारे समाज भाई है, हिंदू मुस्लिम तरफ तरफ के मर रहा है, पानी आ गया, जाने आने का रास्ता नहीं था, सर ने राम प्रवेश राय एक बार जन के उठाया, इसमें चचरी कर दिया, पुल बना दिया, खाने पर हम लोग का भुटनी पर आफत था सर, दूर दूर नाव गिरा दिया। हमारे समाज में जितने हमारे बच्चा लोग हैं वो सब राम पर किधर में आए जाते, किधर में आए आते, पुल टूट गया उधर वाला, इधर वाला टूट गया, पानी था इतना इतना पानी में हम लोग चल चल के मरते थे। हम लोग सपोर्ट करते हैं कि राम प्रवेश राय जितने हमारे समाज भाई हिंदू मुस्लिम है सब मिल के एक नंबर वार्ड में उनके साथ हम लोग झुकेंगे। हमारे जो है अगले 5 साल पहले जो मुखिया थे मुस्तफा मियां, और मुस्तफा मियां जो थे यहाँ पर हमारे पूरा जैसे पंचायत का मुखिया हुए, और इसको बाद जो है से हम लोग जो है से बहुत बड़ा दलदल में फंस गए अगले बार, और फंसने के बाद जो है से हमारे जो है से जब मुस्तफ़ा जी जब आए तो उनको हम इतना ही कहें कि मुस्तफ़ा बाबू हम लोग दलदल में फंसे हुए हैं, आप जो है से मुखिया होते हुए में अब कुछ किए नहीं, तो वो सिर्फ हमारे कहें कि ये मुजफ्फरपुर में दाई है, फिर भी हमको घर दाई में फंसा हुआ था, वो बोले कि हमारे मुजफ्फरपुर में दाई है और वैशाली में है कहाँ दाई, वैशाली डूबा हुआ था और मेन जो है सब वैशाली डूबा हुआ था, और मुस्तफा बाबू के बोले तो बोला कि वैशाली में दाही है नहीं, ये जो भी मिलेगा सब मुजफ्फरपुर वाले के मिलेगा। तो क्या हम लोग वैशाली में डूबे हुए नहीं थे, डेढ़ महीना तक या डूबे हुए थे या नहीं डूबे हुए थे, लेकिन फिर भी मुस्तफा बाबू बोले कि नहीं डूबा हुआ नहीं है, और हम लोग समझिए पानी छोड़कर जो है अन्न मिलना मुश्किल था यहाँ, और पूरे जो है हम लोग बच्चे लोग को कैसे देखभाल करते थे, फिर कौन आप लोग फिर घर पर राशन पानी सब कैसे लगते हैं? राम प्रवेश जी जो है से हर व्यवस्था करते थे, वहाँ जाना जो है से सब चीज राम प्रवेश जी जो है और नया व्यवस्था की है, चाली की व्यवस्था की है, बाल बच्चा जो है से बाल बच्चा भी पैसा ना दो अपने गाड़ी से लेके मुजफ्फरपुर पटना तक जो है पहुँचाते थे बेचारे, कुछ न करे डॉक्टर से आज भी बेचारे आते थे। आपके पंचायत में नल जल का काम या ऐसा कुछ में कोई गड़बड़ी का भी काम हुआ तो हमारे वार्ड जो है से नल जल का काम किया, वो भी पैसा जो हजम हो गया, नल अधूरा रह गया, नल जल जब चालू हुआ तो जब इलेक्शन के दौर आया है तब चालू किया। पंचायत के बारे में राम प्रदेश बहुत काम किए, 15 वार्ड में काम किया, यहाँ अगर एक नंबर वार्ड में चाली बनाए, नैया दिए है, बड़ बीमार के इलाज, क्या वो मुखिया थे सरपंच थे कुछ नहीं, कोई पद पे नहीं थे, बिना पद पे रहते हुए काम किए,
तो इस बार क्या वो कैंडिडेट है? इस बार कैंडिडेट किस पद का है? किस पद से? मुखिया पद से। तो आप लोग उनको सपोर्ट करना चाहते हैं? आपका नाम? मोहम्मद तैयब। बहुत अच्छा काम किया है, जिस वक्त में हम लोग का आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने जो है इस पर जो है चचरा बना के आने जाने के लिए हम लोग के लिए सुविधा दी, हम लोग के हट जाने के लिए नाव का व्यवस्था कराया, गांव में लाइट दिए, गांव में लाइट जगह जगह लगा दिए, बहुत ही बेहतर काम किए हैं। तो उस समय हम लोगों को आवागमन का कोई सुविधा नहीं था, 11 को कैंडिडेट मेरे पंचायत में उम्मीदवार बने हैं मुखिया के प्रत्याशी, वो जो है से 11 में 10 वोट घूम करके नहीं आया, एक शख्स राम प्रवेश जी जो है से उस आवर में अपने जान पर खेल करके, उनको तैरने भी नहीं आता है, खतरा से खेल करके हम लोगों को बीच आए, है कि ना, हम लोगों का जो है से देखे दुख सुख को, आ इसके बाद वो जो है तो लाखों रुपया से ऊपर लगा करके चचरी बना दिए हैं, इसका भी फोटो ले लीजिएगा, नया नाव खरीद करके दिए, हमारे गांव में जो है से कई आदमी बीमार पड़ा, उसको जो है से ले जा करके इलाज कराए हैं, जिसमें एगो सुरेश पासवान है, कई एक नाम है कि ना, सुनील, हाँ सुनील दास के लड़की को भी इलाज कराए हैं, है कि ना, उनका जो है से मुखिया से ज़्यादा इस पंचायत में घूम करके आप देख लीजिए, विकास उनका ज़्यादा है कि ना, मतलब मतलब जनता मिलकर उनको ही सपोर्ट करना चाहती है। हाँ, पूरे जनता। मैं आज बताने जा रही हूँ राम प्रवेश अंकल के बारे में, जब हम लोग के गांव में बाढ़ आया था तो उन्होंने चाला पुल बनवाया, नाव दिया और सारपुर में लाइट लगवाया, इसलिए उनको ही वोट दीजिएगा, बहुत ही अच्छे अंकल है, आप लोग को भी गांव में लाइट और नाव दे देंगे जब बाढ़ आएगा। यहाँ के जो प्रेजेंट मुखिया थे पहले वो कुछ नहीं दिए थे क्या? नहीं दिए, शिकायते थे, वोट लेके चल जाते थे, बोलते थे हाँ दे नहीं देते, मुस्तफा हसन भी नहीं कुछ करते, सिर्फ आते हैं अब वोट ले लेते हैं चल जाते। आपका नाम क्या हुआ बुआ? सोनम खान। कौन सा मतलब मुखिया कैंडिडेट है जो कुछ किए उनको वोट देंगे? राम प्रवेश अंकल तो किए, कोई कहा किया और करवो किया तो हम नहीं जानते। राम प्रवेश तो हमारे लोग के जी आया, वही तो नैया खरीद के दिए, वही पुल बनवाए, वही बत्ती जलवाना, तो अंधेरा में खजन पूरा तो डूबा हुआ था, सब मर जाता, लेकिन और मुखिया सब तो कुछ न किए, सब खुआ पकौआ छीन छोड़ के खा गया सब। अपने के वृद्धा पेंशन मिला है? हाँ, घर का पैसा दिया है, अभी घर आधा पड़ा। वृद्धा पेंशन उम्र हो गए तो मिला है? हाँ, वृद्धा पेंशन हो, अब तो नहीं देता है, ना काम करता है, पहले टीप लेता था, अब नहीं टीपो नहीं लेता। पहले जो मुखिया रहे कोई काम न कर, कौन काम किया जब बुरा बुरा नु सब मर गए, कौन काम किया? राम प्रवेश बंद दिए, राम प्रवेश क्या क्या दिए हैं? बहुत नाव दिए, चचरी बना दिए, आने जाने के लिए चोट लगवा दिए, बहुत काम किए हैं, जाने का बहुत तकलीफ है, और जो भी मार्केट करना पड़ता है, राशन पानी जो भी लाना पड़ता है वो उसी पर जाना पड़ता है, यही चचरा होके जाते हैं, चचरा वो, दूसरा कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं, खड़ा हुए हैं, वो फर्स्ट बार अपना से हेल्प किए हैं, वो किसी कौन सा कैंडिडेट? राम प्रवेश। तो मतलब उनके द्वारा ही बनाया गया? जी, जी, वो अपना से बनाया, उनके पास कोई पद नहीं है। तो इस चचरा का निर्माण किस टाइम हुआ था? बच्चा का हम लोग बड़ा जो है कठिन से जन्म लेता है, गोद में लेके जो हम लोग बाद में कैसे निकलेंगे इसमें, मतलब दवा उबा लाने के लिए कहीं जाना पड़ता है? जाना पड़ता है तो सर हम लोग का व्यवस्था रहेगा तब ना जाएंगे, हम लोग के राम प्रवेश जी व्यवस्था दिए हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग उन्हीं का सपोर्ट में है। तो क्या विकास का काम किए थे? विकास का काम तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा बेरोजगारी सबको लेकर कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इस बार आप किसको पसंद करना चाहते हैं? अभी तो राम प्रवेश है, तो वो कुछ काम किए हैं? काम किए, बहुत काम किए, किसी बिना पद गांव में वो काम किए, अभी ठहरा है। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।